हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फिर उसने नवी फरमाइश डाल दी, कहने लगी लुबना मीट को गोली मार दो। एक गोली सीधा कट पट्टी। कहती लुबना मर गई तो मैं तेरी। ओ जी, ये बात सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। यकीन नहीं आ रहा? वो तो सुनो रिकॉर्डिंग उसकी, अभी सुनाता हूं। सुन, पहचान। है ना तू बाकी आवाज? वॉश में आ गया। सिस्टर ब्लड प्रेशर चेक करें। शेर पता नहीं क्या बोला डॉक्टर साहब। मोबाइल नहीं है उसके पास, लेकिन मोबाइल पर फोन कर रहा है, बातें सुना रहा है किसी की। हेलो मिस्टर आतिफ। हेलो, अब ठीक है? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द? डॉक्टर साहब, दर्द तो पर ही बैकर को हो रहा होगा। दूबा की सारी लव टॉक जो सुना दी है उसे। ये दूबा कौन है? सिस्टर इनको नींद का इंजेक्शन लगाएं और डॉक्टर हाई से कहें ये उनका केस है। हेलो मिस लुबना। जी सर। वादा करके आप मीटिंग में नहीं आई, कोई गलती हो गई हमसे? सर मेरे सर में बहुत दर्द था, बहुत तबीयत खराब थी, गोली खाकर लेटी तो फिर नींद आ गई। आई एम सॉरी सर। अब दर्द कैसा है? ठीक हूँ, अब बेहतर है। तो फिर शाम की चाय मेरी तरफ। खास बात है सर? ऑफ कोर्स, खास बात है तो बुला रहा हूँ ना। कल मिलेंगे। कल तो बहुत दूर है मिस लुबना, हमने तो आज ही फैसला कर लिया। फैसला? किस बात का फैसला सर? सीएम साहब से बात की है हमने, आप वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हमारी मुशीर होंगी। कल से तो आप अपने ऑफिस में बैठेंगी।
लोगों के लिए जो दर्द अपने दिल में पाल कर बैठी हैं उसका इलाज शुरू करेंगे और मैं सवाब कमाने के इस काम में आपकी बदौलत अपने खुदा के सामने सुर्ख रुख हो जाऊंगा। अब बताइए आज मिलेंगे कि कल? आज सर, डेफिनेटली आज। ओके, आई एम वेटिंग। खबर है तो मेरी खबर सुनेगी तो पागल हो जाएगी कौसर। खुशी की कोई खबर ऐसी भी है जिसे सुनकर मैं पागल ना हो जाऊं? यहाँ भी अजब मुश्किल है, गम भी पागल कर देता और खुशी भी पागल कर देती। रहने दो, मिनिस्टर साहब का फोन आया था। क्या कहा? मुझे वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सीएम का मशीन बना दिया गया है क्या? यस आपको नहीं लगता मियां जी मुझे बेवकूफ बनाया क्या? खेला गया मेरे दिल से? लुबना अमीद की तरह मजाक उड़ाया गया मेरी मोहब्बत का? नहीं पुत्री, देखने में यही लगता है, लेकिन केस ये लुबना अमीद वाला नहीं है। ये जो लड़कियां होती है ना पुत्री, देखने में नाजुक, बोलने में डरी हुई, सहमी छुई मुई सी, एक मौके पर सह से भी ज्यादा सख्त जान और ताकतवर होती हैं पुत्री। जब इनका दिल टूट जाए उस वक्त, या फिर दिल के टूटने का बदला लेने पे उतर आए उस वक्त, उस वक्त परी पैकर, वो परी पैकर को भी भूख मारे तो परी पैकर हवा में उड़ जाए। समझ, भूख मारी है उसने और तू हवा में उड़ गया है। पता है क्या क्या बातें की हैं उसने आतिफ के साथ आधी रात को टेलीफोन पर? कहती है तू लुबना अमीद को मार दे, वो मर जाए तो मैं तेरी। उसे कहकर लुबना अमीद का जलसा खराब करवाया उसने, और लुबना अमीद कहती है मुझे तुझ पर शक है परी पैकर। तो फिर तोड़ दे मंगनी। ये मैंने कब कहा मियां जी? तो फिर शक ना कर, मुंह जुबानी बातें की है उसने, दिल की इसमें कोई मर्जी है ना कोई लेना देना। उसके पास रिकॉर्डिंग है मियाँ जी, पूरे शहर को सुनाएगा। रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग कोई नहीं है, मोबाइल बंद दिया था मैंने उसका। एक बात कहूं तुझे, एक बार जाके मिल ले उसको आमने सामने रू बरू, सवाल जवाब जितने हैं सामने बैठा के कर और फिर फैसला कर मंगनी करनी है कि नहीं। तुम तैयार नहीं हुई? कहाँ जाना है? बाजार मंगनी की अंगूठी खरीदने। किस लिए? पहनानी नहीं उसको। वो पहनेगा? क्यों नहीं पहनेगा? हेलो, उसने यहाँ खड़े होकर सुना है, बाकी बातचीत उसे आतिफ सुना देगा। बाकी क्या बचेगा?
एक हेलो के सिवा कोई सबूत है उसके पास? सबूत है जुबैदा, मैं हूं ना सबूत। मुझसे पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी उससे, फिर चाहे वो मंगनी करे ना करे। मर्द को इस तरह का सच बड़ा कड़वा लगता है तुबा, जिसमें किसी दूसरे मर्द का नाम आए। सच बता, दूसरा कोई है मेरे अंदर? साथ बैठकर बात करनी है, बस एक मिनट, आमने सामने रूबरू। अगर मैं तुम्हें इस बात की वजाहत दूं तो मान लोगे? माफ करना जुबैदा जी, आज मैं जो भी सुनूंगा उसके मुंह से सुनूंगा। परी पैकर आया तुमसे बात करने। बैठकर बात करो उससे आमने सामने। बैठो। तुमने आतिफ को फोन किया, कहा कि लुबना अमीद का जलसा खराब कर दो, किया? किया। तुमने उसे फिर फोन किया, कहा कि लुबना अमीद को जान से मार दो, वो मर जाए मैं तुम्हारी। तो फिर तुम किसी तरह मुझे बता दो कि तुम मेरी किस तरह हो। मजा देना देना, बस एक ऐसी बात करना कि उस एक बात में सारी बात हो जाए। मंगनी तोड़कर जाओगे ना परी पैकर, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। जवाब सुना है तो जवाब देकर भी जाओ। Thank you.
जरा हाथ पकड़ के रोक ले, जाने नहीं दोगी तो मंगनी लेट हो जाएगी। ठीक नहीं हुआ अभी? नहीं ठीक ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब। सर पे चोट लगी, दिमाग पे असर हुआ, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं फटे? और मैं क्या आतब साहब? और बैठो जनाब, बैठो मेरी जान। और मैं हेलो फोन नहीं उठा रहे? अब नहीं उठाएगी वो फोन। सच कह रहा हूं आतिफ साहब, बदल लिए इरादे उसने, कसमें तोड़ दी हैं, मुकर गई है अपने वादों से। मंगनी है उसकी आज ही शाम, आज ही शाम पड़ी पैकर के साथ। मंगनी परी पैकर के साथ। किसकी मंगनी? तूबा की। किसके साथ? परी पैकर के साथ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जुत्ती कहाँ मेरी? हो गया ठीक। हाँ मुझे याद आया, बताना भूल गया था कि आज मंगनी है परी पैकर की। लुबना हमीद मान गई? लुबना हमीद से नहीं, तूबा से। तूबा से? तो परी पैकर मान गया? अरे मान गया तो मंगनी हो रही है उसकी। और वो जो 15 साल की मोहब्बत थी, रोना पिटना स्यापा, उसका क्या हुआ? अरे नजर बदलने में कुछ देर लगती है, बल्कि इसमें कम। नजर तो मामूली बात है, दिल बदल जाते हैं, नीयत बदल जाती। चलो अच्छा हुआ ये कहानी भी खत्म। खाम खा का टंटा, खाम खा के नारे। हाँ हमें सद्दा है, जाना है शाम को मंगनी पर। किस किस ने? सब ने। मियाँ जी का हुक्म है कि खसूसी तौर पे बच्चों को लेकर आना है। अच्छा तो वो देना दिलाना क्या होगा? भाई हजार उसकी तल्ली पे, हजार उसकी तल्ली पे। उसका बाप आपके स्कूल का जमाती है फरमाने में, हजार हजार थोड़ा नहीं? ओ बहुत है पलिए लोके, पता नहीं ये मंगनी तोड़ भी चढ़ती है कि नहीं। फिर मैंने कहा बजाते ना देना, बस एक बात ऐसी करना कि उस एक बात में सारी बात हो जाए। तो क्या कहा उसने? मंगनी तोड़कर जाओगे ना परी पैकर, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बस ये कह के मियाँ जी मुझे मार डाला उसने। अब उठ जाओ मियाँ जी, शाम होने वाली है। मंगनी है शाम को, डिसाइड हो गया है। शाम को फिर नचना है जिगर, पर आज की शाम का पहला ठुमका लुबना अमीद के दरवाजे पर लगेगा। ना परी पैकर, आज के दिन ना करेगा। ना का मतलब ना नहीं है, बात बस इतनी सी है कि खुशी मिल जाए तो खुशी को गांव वालों के दरवाजे पे ना मनाना ठीक नहीं है। तो भी ज्यादा है मेरे पास, अनबोल इनोसेंट लिख के रख ले, गम उसको जरा नहीं है। इसे बताओ मियाँ जी, वो तो उड़ती हुई पतंग है, हवा चले खब्बी साइड की वो खब्बी साइड पर, हवा चले सज्जी साइड की वो सज्जी साइड पर, हवा चले मेरी तरफ तो उस दिन वो उड़ने का नागा करती है, डरती है कहीं कट के मेरे हाथ ना आ जाए।
ठीक कह रहा है पुत्री, और गम अगर है तो उस गम का किसी को पता नहीं। आजकल का फैशन यही है और यही पसंद करते हैं लड़के। क्यों पसंद करते हैं भाई साहब? कोई ऐसी अंगूठी दिखाइए जिसे सिर्फ वो पहने, कोई और ना पहने। ऐसी अंगूठी कहाँ से मिलेगी 2 घंटे के नोटिस पे? तो फिर वो दिखाइए ना जो आजकल कोई ना पहनता हो, जो आजकल के फैशन की ना हो। अच्छा चलिए आप कुछ और दिखाओ। ऐसे क्या देख रही हो? इसलिए कि मैं जी भर कर देख लूंगी तो नजर नहीं लगेगी। चल हट। बाहर 2 सिक्योरिटी वाले खड़े। क्यों? उन्हें भी नहीं पता। कहते हैं सरकारी तौर पर इत्तला मिली है कि आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। कम से कम 2 सिपाही आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। मुझसे पूछ रहे थे कि डुबना जी को कोई सरकारी ओहदा मिल गया। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं तो चुप ही रही। सोचा चंद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। देखना फोन किसका है? हेलो जी, वो तैयार है। उन्हें कहें वहीं इंतजार करें, वो आ रही हैं। जी पहुंच गए, दरवाजे के बाहर खड़े। ओके आपकी गाड़ी आ गई। चलिए मैं आपको छोड़ा, लेकिन हम मोहल्ले के चौक में से गुजर कर नहीं जाएंगे। क्यों? वहां मंगनी का फंक्शन होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आप नई मंजिलों की तरफ जाते हुए पुराने रास्तों से गुजर कर जाएं। हम चौक में से ही गुजर कर जाएंगे। अच्छा ही बताओ, मैं कानों में कुछ पहनूं? आपके चांदी वाले झुमके। हाँ अच्छा मैं निकालती हूँ, दुपट्टा तो ले आओ। आज मेरे यार की मंगनी है, वो साजन इसको बाहर से निकली। मेरे सर पे रख दे ये ले। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ताजे फूल ना? बिल्कुल ताजे। यार इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, इसको चार तो सही सही करा। और शर्मत वो टोल वाले नहीं आए अभी तक? महमूद जी जी सर, वो टोल वालों का पता कराओ किधर रह गए हैं। मैं पता करता हूँ। साजन और साजन पुत्री। जी मियां जी। हनेरा हो रहा है और लाइटें ऑन कराओ, कोई रौनक मेला लगे, पता लगे मेरे परी बैगर की मंगनी है। ओए माने लाइटें जलाए। आ चुप कर साजन, तेरी 2 आवाजें निकल गई। यार 2 बंदे आ जाएंगे। ओए माने लाइटें जला, रोशनियां कर दे पूरे मोहल्ले में। आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी। बात सुन पुत्री। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरे साथ चिट कपड़ी क्यों है पुत्री? सिक्योरिटी के लिए है मियां जी। वो आज मंगनी है परी बेकर की। सरकारी मीटिंग है आज मेरी,
पता नहीं कब तक चले। जब तक चलेगी हम इंतजार कर लेंगे पुत्री। तो मेरा इंतजार भी करेंगे तुम्हें नहीं आऊंगी मियाँ जी। सॉरी मियाँ जी। आपने भी तो सड़क पर सद्दा दिया मियाँ जी। कैसे आती? सद्दा देने के लिए उसके कार जाता। कैसे जाता पुत्री? रुक क्यों गए? आगे से रुक। चल कौसर। ये बम है असली। तो क्या करूं इसका? और टूट के मार उसे। परी पैकर को? हाँ। ओ आतफ साहब, परी पैकर को बम मारने की जरूरत क्या है? गोली मारता हूं सीधी कानपट्टी पर। सिर्फ परी पैकर को नहीं मारना, हर उस आदमी को मारना है जो केस की पैरवी करेंगे। आपका मतलब है मियाँ जी वारस अली? ना आती साहब ना। आपको गुस्सा तूबा पर है या परी पैकर पर? और बम भी मारना है तो अपनी खाला के घर मारे। बेवफाई उसने की है, वादा करके वो मुकरी है। बम मारे उसे जनाब। तूबा को मार तू शोदिया। ओ बम कहाँ है? मार। कहाँ? ओ मेरे दिल पे मार। ओए तूबा मार गई कमीनिया, तो मैंने अपने दिल को छाती में रख के तोते की तरह पाला है। ओए ओए आज उसकी मंगनी है, वो कल ब्याह हो जाएगा। मैं तो रह गया ना बरातियों की तरह, ओ मीठे चौल खा के मुंह देखता। माफ करना आतिफ साहब, मंगनी और विवाह में बड़ा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है? वही जो जमीन के बयाने और रजिस्ट्री में होता है। मंगनी होनी है आतिफ साहब, कोई डोली नहीं उठ जानी। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है बम से ना मारो, गम से मारो। एक तूफ ही चाहिए ना आपको, गम का बहाना करो, बम से मार दो। ओ जेठिया, वो खुल के बात कर, तेरी बात मेरे दिल पे लग रही है। ओ आतफ साहब, मंगनी में जाओ, मियाँ जी के पैरों में बैठ के माफी मांगो, पूरी पैकर से जफ्फी डालो, अपने हाथों से मंगनी कराओ, अपने गम को छुपाओ। जिस दिन मौका मिले तूबा को लेके सैद मिठे आ जाओ, फिर परी पैकर के बयाने पर आपके नाम की रजिस्ट्री कराना मेरा काम। टॉम, वे,
शो दिया। ओए तू तो बड़ा सियाणा हो गया यार, बम का है ओ जाके अलमारी में रख क्या, अब दिमाग चलेंगे, बम नहीं